ईवे बिल बनाते हुए बहुत बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर जो है गलत एंटर कर दिया, एचएसएन कोड गलत एंटर हो गया, या फिर जो टैक्स इनवॉइस के अंदर जो डिटेल्स दी गई है किसी भी तरह की, रिगार्डिंग क्वांटिटी, रिगार्डिंग यूनिक क्वांटिटी कोड, बहुत बार हम ये गलतियां कर देते हैं। और ऐसे में जब आप उस गुड्स की मूवमेंट करते हैं और प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा अगर गुड्स इंटरसेप्ट की जाती है और आपके इनवॉइसेस की, ईवे बिल्स की जो बिल्टी है उसकी अगर चेकिंग की जाती है और अगर उनमें किसी भी तरह का मिसमैच है, तो ऐसे में क्या होता है, जनरली आपकी गुड्स सीज कर ली जाती है और पेनल्टी लेवी की जाती है। और इसके रिगार्डिंग जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर भी इशू किया गया है, जिसके अंदर काफी सारी बातें बताई गई है कि कब आपकी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, और उसके अलावा अगर और कोई मिस्टेक है तो ऐसे में पेनल्टी लेवी की जाएगी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां पर जो टैक्स पेयर है गुड्स की मूवमेंट करते हुए उसने क्या गलती कर दी, उसने जो बिल्टी नंबर होता है जो गुड्स की मूवमेंट के रिगार्डिंग जो ट्रांसपोर्टर जो डॉक्यूमेंट इशू करता है, वो जो बिल्टी नंबर होता है वो उसने टैक्स इनवॉइस की जगह एंटर कर दिया, और ऐसे में जो है गुड्स की मूवमेंट कर दी गई। जीएसटी ऑफिसर ने जब चेक किया कि ईवे बिल के अंदर जो टैक्स इनवॉइस नंबर है वो टैक्स इनवॉइस से मैच नहीं हो रहा है, और ऐसे में जो है क्या कर दिया गया, पेनल्टी लेवी कर दी गई। अब इसके रिगार्डिंग जो है सर्कुलर का हवाला देते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि सर्कुलर के अंदर 2 डिजिट तक अगर मिसमैच है तो ऐसे में यहां पर पेनल्टी लेवी नहीं की जाएगी, लेकिन आपके केस में तो पूरा का पूरा टैक्स इनवॉइस नंबर ही गलत है तो यहां पर जो है पेनल्टी लेवी की जाएगी। ऑर्डर पास कर दिया गया और गुड्स को सीज कर दिया गया और पेनल्टी लेवी कर दी गई। उसके बाद टैक्स पेयर ने इसके रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट पटिशन फाइल की, और जहां पर हाई कोर्ट ने काफी सारी जो जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है, काफी सारी जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको कंसिडर किया, ऑब्जर्व किया, और सबसे मेन बात जो मैं बार बार कहता हूं आपको, जहां पर भी पेनल्टीज लेवी की जाती है सबसे पहली बात जो चेक की जाती है वो मेंस रिया क्या है, मींस जो टैक्स पेयर है उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या उसकी टैक्स जो इंटेंशन थी वो टैक्स चोरी की थी या फिर उससे गलती से गलती हुई है, इट मींस उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। तो ये सभी बातें जो है इस कोर्ट, इस जजमेंट के अंदर भी जो है डिटेल में डिस्कस की गई है। और अगर मैं क्रक्स ऑफ दी जो जजमेंट है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई है। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि जैसे कि ये सर्कुलर इशू किए जाते हैं, प्रेस रिलीज इशू की जाती है, और अगर इनके अंदर जो बातें की गई है अगर हम इनके कॉन्ट्राडिक्शन में भी आ जाते हैं तो क्या ऐसे में जो है हमें रिलीफ मिल सकती है। तो अगेन, अगर आपकी इंटेंशन टैक्स चोरी की नहीं है तो ऐसे में भले ही सर्कुलर आपके अगेंस्ट है, वो सर्कुलर आपके अगेंस्ट होते हुए भी आपको रिलीफ मिल सकती है। तो यहाँ पर मेनली जो जो इशू था वो इशू यहाँ पर बताया गया कि जो गुड्स थी उस गुड्स के रिगार्डिंग जो मूवमेंट थी वहां पर जो है टाइपोग्राफिकल एरर इन द ईवे बिल विदाउट एनी फर्दर मटेरियल टू सब्सटेंशिएट द इंटेंशन टू इवेड टैक्स शुड नॉट एंड कैन नॉट लीड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। अगर आपके पास ऐसे एविडेंसेस नहीं है जहां पर टैक्स चोरी की इंटेंशन है तो ऐसे में आप जो है पेनल्टी नहीं लगा सकते। और अगर प्रेजेंट केस के अंदर जो टैक्स इनवॉइस नंबर था 0401 उसकी जगह पर अगर जो है यहाँ पर बिल्टी नंबर 2224 एंटर कर दिया गया है तो यह महज एक जो है टाइपोग्राफिकल एरर है, इसके बेस पर आप जो है पेनल्टीज लेवी नहीं कर सकते। तो ये सभी बातें जो है यहाँ पर इस जजमेंट के अंदर कही गई है। डिटेल में यहाँ पर जो है बताया गया है कि बेसिकली जो टैक्स पेयर था उसने जो गुड्स की मूवमेंट की, मूवमेंट करते हुए जो ईवे बिल जनरेट किया गया वहां पर जो है टैक्स इनवॉइस नंबर की जगह गलती से बिल्टी नंबर जो है, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर है वो एंटर कर दिया गया। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैच हो रही थी, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, अमाउंट ऑफ द गुड्स, टैक्स ऑफ जो भी सप्लाई है उसके ऊपर जो भी टैक्स लेवी किया गया वो सभी डिटेल्स मैच हो रही थी, सिवाय एक गलती के जो कि जो है इनवॉइस नंबर यहाँ पर जो है गलत था। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर बताया गया, इन द केस ऑफ द पेटिशनर इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ एंड ही वाज सप्लाइंग प्लाईवुड टू अदर रजिस्टर्ड डीलर। उसके बाद जो व्हीकल नंबर है वो व्हीकल नंबर बताया गया है जिसके जरिए गुड्स की मूवमेंट की जा रही थी। उसके बाद जो इनवॉइस नंबर है वो गलती से जो है 0401 की जगह पर 2224 जो है यहां पर एंटर कर दिया गया, जो कि बेसिकली क्या था, बिल्टी नंबर था। उसके बाद काउंसिल ने कहा कि किसी तरह की टैक्स की चोरी यहां पर नहीं की जा रही थी, यहां पर टाइपोग्राफिकल एरर थी। उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स थी वो आपस में मैच हो रही थी, जैसे कि जो इनवॉइस के अंदर, ईवे बिल के अंदर और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद जो है यहां पर जो डिपार्टमेंट है उसने अपनी बात कही, डिपार्टमेंट ने कहा कि इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर इशू किया गया है और उस सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि अगर 2 डिजिट तक मिसमैचेज है तो उसको जो है इग्नोर किया जाएगा, लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा इनवॉइस नंबर ही जो है वो मिसमैच है। तो यहां पर कहा गया कि द डिपार्टमेंट वाया ए सर्कुलर हैज अलाउड नॉन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस वेयर द मिस्टेक्स ऑफ
टू डिजिट इन दी व्हीकल नंबर एंड नो फर्दर। तो यहां पर व्हीकल नंबर की तो बात ही नहीं है, व्हीकल नंबर के अंदर कोई गलती नहीं है, यहां पर गलती है टैक्स इनवॉइस नंबर के अंदर। और डिपार्टमेंट ने कहा कि सर्कुलर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि टैक्स इनवॉइस के अंदर अगर मिसमैच है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, तो इसलिए हम यहां पर पेनल्टी लेवी करेंगे और पेनल्टी लेवी कर भी दी गई। सबमिटेड यहां पर कुछ जो है केस लॉज की रेफरेंस दी गई और डिपार्टमेंट ने कहा कि वो केस लॉज की जो रेफरेंस दी गई है बाय द पेटिशनर वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ही द डिपार्टमेंट सबमिटेड दैट द जजमेंट ऑफ मैसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है वुड नॉट अप्लाई एज द सेम वाज अ केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। वहां पर स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा था जबकि यहां पर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की जा रही है एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी टैक्स लायबिलिटी इन दैट केस। ही हैज आल्सो अटेम्प्टेड टू डिस्टिंग्विश द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अ केस वेयर द ईवेबल हैड एक्सपायर्ड। यहां पर डिपार्टमेंट ने कहा कि उस केस लॉज को आप यहां पर रेफर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर तो ईवेबल जो है सही था, सिर्फ वो एक्सपायर हो गया था जस्ट बिफोर दी व्हीकल वॉज डिटेन्ड। तो व्हीकल डिटेन्ड करने से पहले, चेक करने से पहले वो ईवे बिल जो है एक्सपायर हो चुका था, तो ऐसे में वो जजमेंट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब सुप्रीम को वो हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने कहा इन द प्रेजेंट केस वन फाइंड्स दैट देयर इज डेफिनेटली एन एरर विद रिगार्ड टू टाइपिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहां पर टाइपोग्राफिकल एरर है और ऐसे में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 डिजिट इंस्टेड ऑफ द परमिटेड 2 डिजिट। 2 डिजिट को परमिट किया गया है लेकिन वो भी सिर्फ व्हीकल नंबर के रिगार्डिंग। तो ऐसे में जो है डिपार्टमेंट का साफ साफ कहना था कि जो गुड्स है उनको सीज किया जाना चाहिए और पेनल्टी लेवी होनी चाहिए। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट गुड्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड नन इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट गुड्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द डीलर थ्रू स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम इट्स यूनिट एट गौतम बुद्ध नगर टू इट्स सेल डिपोट एट आगरा। तो ऐसे में यहां पर जो है बेसिकली जो एक स्टेट से जब आप दूसरे स्टेट्स के अंदर अगर ट्रांसफर करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे में भी जो है टैक्सेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जो केस लॉज की जो रेफरेंस दी जा रही है, जजमेंट दी जा रही है, उनका डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां पर जो स्टॉक ट्रांसफर था उसमें किसी तरह की कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स है और वहां पर जो फैक्ट्स है वो बिल्कुल अलग अलग है और ऐसे में उन जजमेंट्स को आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है फाइनली जो डिपार्टमेंट ने जो कंक्लूड किया, जो सॉरी हाई कोर्ट ने जो कंक्लूड किया, अपॉन पर्यूजल ऑफ द जजमेंट द प्रिंसिपल दैट इमर्जेस इज दैट प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया फॉर इवेजन ऑफ टैक्स इज ए सिने क्वा नॉन फॉर इम्पॉसिबल कंसिडर फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो बेसिकली जो मेंस रिया है उसका होना जरूरी है, अगर इवेजन करने की जो इंटेंशन है वो है तो पेनल्टी लेवी होगी, अगर जो इंटेंशन है वो इवेजन करने की नहीं है तो पेनल्टी लेवी नहीं होगी। किसी टाइपोग्राफिकल एरर को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है टैक्स चोरी की इंटेंशन है। ए टाइपोग्राफिकल एरर इन द ईवे बिल विदाउट एनी फर्दर मटेरियल टू सब्सटेंशिएट द इंटेंशन टू इवेड टैक्स शुड नॉट एंड कैन नॉट लीड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। हाँ, अगर डिपार्टमेंट के पास और कोई प्रूफ है जिससे वो ये कह सके कि हाँ टैक्स की चोरी की जा रही थी, जो इंटेंशन थी वो टैक्स चोरी की थी, तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि टैक्स इनवॉइस नंबर गलत है इसकी वजह से पेनल्टी लगाई जाएगी, ये सही नहीं है, ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है। तो फाइनली जो है इन दी अबव फाइंडिंग द इम्प्यून्ड ऑर्डर आर क्वेश्ड एंड सेट असाइड। जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया गया और जो पेनल्टी है उसको भी जो है डिलीट कर दिया गया। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि विद इन 4 वीक्स जो है डिपार्टमेंट जो है रिलीफ देगा, जो गुड्स है उनको रिलीज करेगा और पेनल्टी जो लेवी की गई है उसको जो है डिलीट करेगा। तो ये बेसिकली जो भी लोग ईवे बिल के अंदर कोई गलती कर बैठते हैं और उनकी गुड्स सीज कर ली जाती है, पेनल्टी लेवीज की जाती है, तो ऐसे में वो जो है इन केस लॉज की रेफरेंसेज ले सकते हैं, इन केस लॉज को जो है रेफर कर सकते हैं। ऐसे में ऑफिसर हो सकता है इन केस लॉज के बेसिस पर जो आपकी पेनल्टी है उसको इम्पोज ना करे, आपकी गुड्स को रिलीज कर दे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यूजफुल फाइल्स के लिए, केस लॉज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।